खारेगांव पुलिस की सक्रियता से अंधे कत्ल का पर्दाफाश हुआ। आपको बता दें कि मात्र 2000 रुपए के लेनदेन के विवाद पे दो युवकों ने मिलकर दो युवकों की हत्या कर दी, जिन्हें पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की। खादेगांव थाना प्रभारी सज्जन सिंह मुकादे ने बताया कि 19 अक्टूबर को दिलीप अग्रवाल एवं उसका साथी असलम खान निवासी गोपालपुर गल्ला खरीदने के लिए ग्राम बचकाल की ओर गए थे। दोनों युवक घर नहीं पहुंचे, जिसके बाद दिलीप का शव मिला और उसके साथी असलम का भी कोई पता नहीं चल पाया। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक अंशुमन सिंह ने खादेगांव एवं कन्नौज की टीम को गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद 23 अक्टूबर को असलम खान का शव भी समीप ग्राम पिपलिया के बीच में एक बोरे में मिला। पुलिस ने घटना के पूर्व मोबाइल पर अंतिम बार कॉल करने वाले व्यक्तियों को बुलवाकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि पुलिस को गुमराह करने के लिए एक शव को बोरे में बंद कर पिपलिया नाले के पास फेंक दिया एवं दिलीप के शव को खल के पास किसी किसान के खेत के गांव में फेंक दिया। घटना के मुख्य आरोपी रामकिशोर कलोता एवं राजेश पिता मांगीलाल कौर दोनों ही निवासी पिपलिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो सभी शनाख्ती ली गई। सब दिलीप अग्रवाल 40 वर्ष का निकला, बहुत कुछ इसमें कनेक्टेड नहीं हो पा रहा था, अज्ञात था। इसके बाद सब इसकी कनेक्टिविटी को जोड़ा गया, इसके लास्ट कॉल्स वगैरह को देखा गया। चैन सिंह और राजेश दो लोगों ने इससे आपसी में बात की थी और उनसे फिर पूछताछ की गई। उनसे पूछताछ से पता पड़ा कि उन दोनों ने दिलीप को और उसके साथी असलम को धारदार हथियार से मार के और दिलीप को कुएं में डुबा के और उसको रस्सी से फंदा लगा के उसको उन दोनों की हत्या की। इसमें एक हथियार का जो उपयोग किया था उस हथियार की बरामद भी हो गई है। जिस बोरे में उन्होंने लपेटा था उसको भी बरामद कर लिया। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, आजमगढ़ न्यायालय में पेश किया जा रहा है। एक अपराध अपना थाना गोपालपुर।